हेलो हेलो साथियों कैसे हो आप सब वीडियो नंबर 44 36 के बाद थर्टी uh, सेवन आया था उसके बाद 44 क्यों देखो क्रमांक की मैं बात करूंगा तो ये 44 है ठीक है इसके पहले कितना हुआ आप मिला लीजिएगा uh, मुझे लगता है सिंह थर्टी हुआ है ये बिल्कुल अलग है सबसे अलग सबसे जुदा है इससे आगे पीछे वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है इसलिए इसको मैं पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कोण यानी एंगल आपने देखा होगा कि अगर दो लाइन ऐसे पैरल आती है एक दूसरे की तो जहां पर वो क्रॉस करती है वहां पर क्या होता है एंगल बनता है आप कह सकते हो दो बुझाओं को उस उस जो झुकाव होता है 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 क्या बनता है? बनता कोण फिलहाल परिभाषा कोई मायने नहीं रखती मुख्य है इनके प्रकार ठीक इनकी अपनी अपनी रेंज होती है और जहां तक मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं और मुझे सब पता है अच्छे से इतना मुझे भी मालूम है तो पहला क्या है बच्चा शून्य कोण और अगला क्या है न्यून कोण अः इनको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल इनको बोलते हैं जीरो एंगल और शून्य कोण के बाद जहां पे ये खत्म होता है शून्य कोण सॉरी न्यून कोण एटी नाइन पे वहीं के बाद आता है बच्चा एटी समकोण इनको मैं थोड़ा अलग कलर में लिखूंगा आ, क्योंकि ये सबसे अलग और सबसे जुदा है ठीक है समकोण जिसको बोलते हैं राइट एंगल क्या बोलते हैं राइट एंगल इंग्लिश वाली स्पेलिंग में कोई भ्रम होगा तो मुझे बताना ठीक है समकोण जहां खत्म हो जाता है नब्बे नब्बे के बाद नाइन्टी वन जो होता है बच्चा वो शुरू होता है अधिक कोण क्या होता है अधिक कोण अधिक कोण को बोलते हैं अब एंगल क्या बोलते हैं अब एंगल इनको आप नोट कर लीजिएगा ये हैं कोण के प्रकार इंग्लिश स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगा या कुछ भी आपको भ्रम लगेगा तो मुझे बताना हिंदी में देखना ठीक है इसके बाद अगला जो आता है बच्चा सबसे बाद में अधिक कोण के बाद वो आता है कोण क्या आता है कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल अब इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात जरूर करेंगे लेकिन उसके पहले चर्चा की बात कर लो ये सबके दादा हैं, इनका नाम है संपूर्ण कोण संपूर्ण का मतलब कंप्लीट कंप्लीट एंगल ये बिल्कुल पूरा पूरा कंप्लीट होता है एंगल ठीक है इसमें जो मुख्य मुख्य हैं, जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा दिमाग पकाने हैं वो आपके यही हैं न्यून कोण अधिक कोण, बृहद कोण बाकी और ऐसा बहुत आसान है बहुत ही इजी है एकदम हलुआ है जैसे आप देखो प्यारे बच्चों शून्य कोण जो होता है सिर्फ जीरो अंश का एक ही होता है इसके अलावा इसके आगे पीछे कोई नहीं होता है है ना एक्यूट एंगल क्या होता है ये वन से लेकर एटी नाइन तक होता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह गिनते चले जाओ एटी नाइन तक जितने भी कोण है सभी न्यून कोण कहलाते हैं समकोण होता है जो एकदम एक बिल्कुल अकेला अलग थलग होता है नब्बे अंश का समकोण कोई दूसरा नहीं हो सकता नब्बे के सिवा ये अकेला एक ऐसा कोण है सम कोण होता है लेकिन न्यून कोण में बहुत सारे कोण हो सकते हैं उसी तरीके से आपका एक कोण होता बीच में छूट गया है आ, अधिक कोण के जो है बाद में कोण होता है इसी में ठीक है इनको भी इसी में घुसा लो भैया सम ध्यान करा लो इनका भी यही में देखो यही बीच में ना इनको भी लिखना है कोण यही इतने कोण हैं जितने मैं लिख के तुम्हें दिखा रहा हूं बस इसके अलावा और कुछ नहीं है ये क्या है रिजु कोण या इनको सरल कोण भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सरल कोण इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ये डॉक्टर वाली लैंग्वेज लिख दिया हूं समझ जाना ठीक है स्ट्रेट एंगल तो प्यारे जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 का होता है क्या होता है 180 का होता है ये भी अद्वितीय होता है 360 वाला जो कंप्लीट एंगल है ये भी अद्वितीय होता है और ये बच्चा अद्वितीय तो होवे करते पैदा ही अद्वितीय हुए हैं और जीरो वाला भी वैसे होता है तो ये जितने मैंने व्हाइट कलर से घेर रखा है ये सभी अद्वितीय एंगल हैं यानी इनके दूसरे कोई और नहीं होते जैसे आपने सुना होगा बहुत से लोग लिखते हैं नोट हमारी कोई और ब्रांच नहीं है।, है ना हमारे नाम का कोई फर्जी कुछ बेच रहा है तो सावधान रहो सतर्क रहो तो वैसे क्या है इनके नाम का इन कोई और दूसरा एंगल नहीं है नाम का मतलब समझ रहे हो तीन सौ साठ ही एकमात्र कोण है जो समकोण होता है लेकिन अधिक कोण में बहुत सारे हैं अधिक कोण 91 ले लो इन्हीं के नाइन लेवेंटी ले कुछ भी ले लो वन सेवेंटी फाइव ले लो वन सिक्सटी एट ले लो कुछ भी सभी के यहां अधिक कोण है ठीक है तो इनकी लिमिट जो होती है साथ ही मेरे वो का होती है भैया ये नाइनटी वन से स्टार्ट होते हैं वन सेवन नाइन तक यानी नाइन uh, वन से लेकर के 179 तक जितने भी कोण होते हैं सभी क्या कहलाते हैं अधिक कोण कहलाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरी है समझा थोड़ा सा बीच में में बच रहा सेम कलर में इनको लिख लो uh, 181 से लेकर तक जो होते हैं वो बृहत कोण कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल यही पूरी कहानी थी कोण की और पांच छह मिनट में आप पूरा समझ चुके हो है ना कितना आसान देखो रंग बिरंगा कलर में मैंने तुम्हें दिखा दिया सब चुटकी भर में लाइक नहीं किया तो कर देना जल्दी से जिम्मेदारी है आपकी हाँ बाकी आपकी इच्छा मैं तो कह ही सकता हूँ ईमानदारी आपकी चलो तो अब मुझे ये बताओ कमेंट करके फटाफट फट। पहला सवाल है कि 105 अंश का कोण किस प्रकार का कोण है कमेंट में मुझे आंसर बताना ठीक है 215 अंश का कोण किस प्रकार का कोण है तीसरा 75 डिग्री का जो एंगल है वो किस प्रकार का एंगल है और चौथा सवाल सौ अठारह अंश का कोण किस प्रकार का कोण है आज का लास्ट सवाल ये बताओ कि एक सौ सैतीस डिग्री का कोण ये किस प्रकार का कोण है नाम बताइए सभी में पांच में चलो बहुत अच्छा बच्चा पार्टी वेरी गुड वेरी गुड चलो देखिए सब लगभग कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बेहतर गुड बेस्ट एक्सलेंट तो वीडियो का ये था आपका फोर्टी फोर नंबर एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज अभी चल रही है आप देख रहे हैं ये टोटल फ्री है यूट्यूब पे आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और यूट्यूब पे टोटल फ्री रात नौ बजे डेली लाइव होती है लेकिन कभी कभी मैं वीडियो भी देता हूं तो जब वीडियो दूं तो वीडियो भी देख लो सिचुएशन कभी कभी बिजी होती है तो ऐसा नहीं की मेरे लाइव आ जाता हूं और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी मुझे सारी एक्टिंग करनी पड़ती है यहाँ के ठीक है भैया तो मेहनत लगती है बहुत इसमें भी तो लाइक शेयर करिए और पढ़ते रहिए सीखते रहिए